फ्रेंड नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशेल जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। तो फ्रेंड्स आज मैं एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। इस वीडियो में आपके बताऊंगा जो यूट्यूब के नया पॉलिसी का जो रूल्स आया है, इस रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप एक क्रिएटर हो तो ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके, क्योंकि अभी मई 2023 में यूट्यूब ने नया गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो भी आपके लिए ये बहुत जरूरी होगा। अगर आपके चैनल मोनेटाइज अभी तक नहीं है लेकिन मोनेटाइज होने वाला है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका चैनल 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया है यूट्यूब ने तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में यूट्यूब ने कुछ नया अपडेट किया है। यूट्यूब के जो 2-3 बार चैनल ऑलरेडी रिजेक्टेड हो गया है OIPP में, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जो लोग अप्लाई किया है और उनका जो 1-2 बार रिजेक्ट हो चुका है उन लोगों के बारे में ये वीडियो है। ठीक है, उन लोगों के बारे में जो यूट्यूब ने गाइडलाइन जारी किया है उन लोगों के लिए है। तो गाइस ये वीडियो आप फुल देखिएगा ताकि आपको फुल समझ में आए। ठीक है, ये वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आप एक यूट्यूबर बनने जा रहे हो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, ये सबके आपको काम आने वाला है ये वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब का जो गाइडलाइन नया गाइडलाइन है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड जो जो यूट्यूबर है, मतलब जो जो बड़ा यूट्यूबर है, कभी कभी छोटे यूट्यूबर को भी ये मेल मिला होगा, मुझे भी मिला है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को भी ये मेल में भेज दिया है। अगर एक छोटा यूट्यूबर है तो भी आपको शायद ये मैसेज मिल जाया होगा। ठीक है, आप जब भी यूट्यूब ओपन करेंगे आपको ये दिखाई देगा। तो गाइस आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, यूट्यूब का जो नया मोनेटाइजेशन जो गाइडलाइन है इस गाइडलाइन के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह से वीडियो पाने के लिए। तो गाइस यहां पे यूट्यूब पॉलिसी अपडेट जो कि मैं आपको बताऊंगा, दिस आर्टिकल समराइज रिसेंट एंड पास्ट अपडेट्स मोबाइल टू यूट्यूब पॉलिसीज फॉर अदर अपडेट रिवेलेंट टू यूट्यूबर क्रिएटर, चेक आउट द क्रिएटर अपडेट आर्टिकल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट अपडेट, तो लेटेस्ट अपडेट मई 2023, मतलब नया है, अभी 2 दिन हुआ है, तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा, आपको सामने ये दिख रहा होगा ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के बारे में आपको बात करूंगा। यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा मई 2023 अपडेट टू आवर ईटिंग डिसऑर्डर्स पॉलिसी ऑन अप्रैल 18 2023। आवर ईटिंग डिसऑर्डर्स पॉलिसी वॉज अपडेटेड टू बेटर प्रोटेक्ट the YouTube community from sensitive content that may pose a risk to some users. We know may remove immutable content as restrict content and show a crisis resource panel on videos about eating disorders or self-harm topic. तो गाइज मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अंग्रेजी में उन लोगों का जो अपडेट किया है तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी में आपको मैं समझाऊंगा किस तरह से आपको ये ताकि आपको फुल समझ में आए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट अपडेट है मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में आपको शायद में दिख रहा होगा, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी वजन विकास नीति में अपडेट जो यूट्यूब में का जो अपडेट है, यहाँ पे 18 अप्रैल 2020 को यूट्यूब समुदाय से संवेदनशील सामग्री से बेहतर दंड से बचाने के लिए हमारे खाने संबंधी विकार नीति के अपडेट किया गया था। ये 18 अप्रैल में अपडेट किया गया था। ठीक है, अभी नया ये चेंजेस कर दिया है, तो चेंज किया क्या है आपको मालूम अभी हो जाएगा। अब हम अनुकरणीय सामग्री आयु प्रतिबंधित सामग्री को हटा सकते हैं और खाने के विकारों या स्वास्थ्य के नुकसान पहुंचाने वाले विषयों के बारे में वीडियो पर संकट संसाधन पैनल दिखा सकते हैं। जी, अभी ये चेंजेस लाया है, ये जो फर्स्ट चेंजेस है वो यही है। ठीक है, तो दूसरा आपको साइड में दिख रहा होगा, दूसरा जो कि अंग्रेजी में मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मई 2023 पिन की गई टिप्पणियों में बदलाव, जो पिन की गई टिप्पणी है उसके जो चेंजेस दिया है उस चेंजेस के बारे में बात करूंगा। 31 मई से यूट्यूब समुदाय के सुरक्षा में मदद करने के लिए क्रिएटर्स को अपने वीडियो पर टिप्पणियों को पिन करने के लिए, ठीक है, उतन सुविधाओं तक पहुंच की आवश्यकता होगी। टिप्पणियों के अनपित करने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी और पहले से पिन की गई टिप्पणियों बने रहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उतन सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने के तरीके के बारे में और जाने,
तो मैं आपको बताऊंगा अभी जो तीसरा जो पॉलिसी है, जो तीसरा गाइडलाइन है, आपको साइड में दिख रहा होगा अंग्रेजी में, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। यहाँ पर मई 2023 चैनल की सदस्यता के लिए रोके गए मेड नीति का विस्तार। अगर आपके चैनल मोनेटाइज आपने अप्लाई किया है, एक बार दो बार आपका रिजेक्ट हो गया है, तो इसी के बारे में है। तो ये अगर आपके साथ हुआ है तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जो अपडेट किया है 5 जून 2023 से हम अपनी रोका गया मेड नीति को 90 दिनों से बढ़ाकर, तो पहले जो एक बार रिजेक्ट हो गया, अगर आपके चैनल में ऐसा हुआ है, अगर आपने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया हो, अगर आपका चैनल एक बार रिजेक्ट किया है, तो आप 90 डेज में आप कर सकते थे, ठीक है। 90 डेज के अंदर ही आप जो दूसरा जो अटेम्प्ट है आप कर सकते थे, लेकिन वो अभी बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। तो ये बहुत दुखद की खबर है। तो यहाँ पे नीति का 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर रही है, ठीक है। पहले 90 डेज के अंदर ही दूसरा अटेम्प्ट कर सकते थे, दूसरा अप्लाई कर सकते थे, अभी पूरा 120 दिन के बाद ही ये होगा। तो ये चेंजेस उन्होंने किया है। इसका मतलब है कि अगर आप सदस्यता की पेशकश करते हैं और आपका चैनल YPP से निलंबित कर दिया गया है, अगर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का आपका जो यूट्यूब चैनल है अगर डिसेबल कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपके पास आप यूट्यूब सहयोगी कार्यक्रम YPP में फिर से प्रवेश करने और अपनी मौजूदा सदस्यता प्राप्त होने और सदस्य के उनके पिछले महीने का भुगतान वापस करने से पहले चैनल सदस्यता फिर से शुरू करने के लिए 120 दिन का समय होगा, ठीक है। तो 120 दिन का समय पहले 90 दिन में हो जाता था, अभी पूरा 120 दिन लगेंगे। तो ये चेंजेस क्या है, ठीक है। जो चौथा जो चेंजेस है, तो मैं आपको यहाँ पे साइड में इंग्लिश में दिख रहा होगा, मैं आपको हिंदी में ये भी समझाने की कोशिश करूंगा। चौथा जो अपडेट लाया है, चौथा जो गाइडलाइन है, यहाँ पे मई 2023 यूट्यूब सहयोगी कार्यक्रम पूर्ण आवेदन नीति में अपडेट, ठीक है। तो पूर्ण आवेदन 5 जून 2023 से हम यूट्यूब सहयोगी कार्यक्रम YPP के लिए पूर्ण आवेदन पर अपने नीति का 30 दिन से बढ़कर 90 दिन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो चैनल का YPP मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो कि मोनेटाइजेशन है, ठीक है, YPP से एक से अधिक बार निलंबित या YPP से एक से अधिक बार निलंबित या वशीकृत किया गया है, मतलब मोनेटाइजेशन के अप्लाई अगर आपने किया, आपका चैनल अगर रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें आप कार्यक्रम में दोबारा आवेदन करने से पहले 90 दिन तक इंतजार करना होगा। तो पहले ये 30 दिन मतलब एक महीने के अंदर ही कर पाएंगे पाता थे, ठीक है, एप्लीकेशन दोबारा मतलब 30 दिन के अंदर ही हो जाता था, अभी ये 90 दिन कर दिया गया है, ठीक है। तो उन्हें आप कार्यक्रम में दोबारा आवेदन करने से पहले 90 दिनों तक इंतजार करना होगा। यदि आप पहली बार YPP से वो स्वीकृत हो रहे, मतलब जो मॉडरेशन पॉलिसी से रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, तब भी आप 30 दिन के बाद फिर से आवेदन कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर रिजेक्ट किया तो 30 दिन से अंदर होगा, अगर दोबारा किया तो 90 दिन होगा, ठीक है। एक बार अगर रिजेक्ट होता है तो आप 30 दिन के अंदर ही कर सकते हैं, अगर दोबारा अगर फिर से आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप 90 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक।